सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 मई 2021 गुरुवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु देव की कृपा से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 13 मई 2021 दिन गुरुवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 3:06 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 5:39 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की तृतीया नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:40 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 5:45 तक चलेगा और इसके उपरांत मृग शीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो अति गंड नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक अगले दिन के रात्रि के 12:51 तक चलेगा और इसके उपरांत सुकर्मा नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय यह सुबह के 5:50 पर और चंद्र अस्त का समय शाम के 6:55 पर होगा और चंद्र उदय सुबह के 6:42 पर और चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 8:27 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा और शुभ समय की बात करें तो यह दोपहर 2:01 से लेकर ठीक दोपहर 3:39 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनुमान गलत हो सकता परंतु अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन के सीख है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना मान लेता है। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपके डेली राशि फल की बात करने जा रहे हैं। कर्क राशि जातकों के लिए हम बताना चाहेंगे, आज अगर कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। इस दौरान आप किसी भी संपत्ति खरीद सकते हैं या फिर बिक्री के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको बता दें, नौकरी व व्यवसाय में सहयोग से सफलता प्राप्त होगी और स्वास्थ्य के मामले में स्वयं की दिनचर्या को
बेहतर बनाने को आपको जटिल परिश्रम करनी पड़ सकती है। आपको बता दें इस दौरान दिनचर्या स्वस्थ रह सकती है और कुछ लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज लेना भी पड़ सकता है। आपको बता दें इस दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और कॉलेज में किसी काम को करने के लिए टीचर का पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर का पूरा साथ मिलेगा और आप उनसे सहायता भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो उसमें आप हिचकिचिएगा मत, आपको पूरी सहायता मिलेगी। कर्क राशि जातकों के लिए अगर लव लाइफ की बात करें तो आज पैसा वहीं खर्च करें जहां लोगों पर आपको भरोसा हो, अन्यथा आपका पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे यह समय माता पिता के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। जी हाँ, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा और बातों विवादों से बचना होगा। आपको बता दें आप अपने प्रियतम के साथ आनंद के पल बिताएंगे और शादीशुदा लोगों के बीच में बेवजह वाद विवाद भी हो सकता है, उससे आपको बचना है और बातों को लंबा अधिक ना खींचें, अन्यथा विवाद और भी बढ़ सकता है, उससे आपको सतर्क रहना है और बच के रहना है, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियोस को अभी लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।